कुटीर ज्योति योजना गरीबी रेखा से निचले स्तर के ग्रामीण परिवार को बिजली देना। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ कैनिंग वायसराय के काल में हुआ। भारत में दक्षिणी प्रायद्वीप में गोदावरी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। कछुआ सर्वाधिक दीर्घायु मैक्सिमम लाइफ स्पैन। जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी और फैट सॉल्युबल। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। जैव प्रबलीकरण जैव फोर्टिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज दियर न्यूट्रिशनल वैल्यू। जैव प्रबलीकरण जो है फसलों की पौष्टिकता में संवर्धन की उत्पादन शक्ति है। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी ने जीता। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। जेट्रोफा रतनजोत बायोडीजल का पौधा है। जेट्रोफा को हिंदी में और रतनजोत कहते हैं और यह एक बायोडीजल का पौधा है। विनिमेश कमीशन का पहला अध्यक्ष जी बी रामकृष्ण थे। भारत में चिश्ती सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। तराइन का पहला युद्ध महाराणा प्रताप और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। एक्सरे डब्ल्यू सी रॉन्टजेन। लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। ये फोक डांस से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। लैंड बॉर्डर शेयर करने वाला बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर और नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है, जबकि बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की स्थलीय सीमा रेखा बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है भारत के साथ। देश में प्रथम वस्त्र का उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में हुआ स्थापित हुआ, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स वेव की तरह होती हैं। ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में चलती हैं। तमिलनाडु राज्य में पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तमिलनाडु जो राज्य है उसका पवन ऊर्जा जो विंड एनर्जी होती है उसके उत्पादन में प्रोडक्शन में प्रथम स्थान है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। कोयला एक कार्बनिक चट्टान है। स्लेट और तथा संगमरमर रूपांतरित चट्टानें हैं, जबकि ग्रेनाइट एक आग्नेय शैल है या आग्नेय चट्टान है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा सिगार के लिए भी प्रसिद्ध है। पहले क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, शुगर बाउल, पर अब नहीं कहते हैं, अब चेंज हो गया है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है और उत्तर पूर्व में बहती हुई पटना के पहले गंगा से मिलती है। कोसी घाघरा और गंडक दक्षिण की ओर बहती हुई गंगा के बाएं तट से मिलती हैं। लाल मिट्टी कर्नाटक पठार तमिलनाडु आंध्र प्रदेश छोटा नागपुर पठार और अरावली में पाई जाती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन पोटेशियम व ह्यूमस की कमी होती है और इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। परसियों के अलेक्जेंडर ने भारत में प्रथम बार प्रवेश किया था। सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है, डेड सी में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड मुख्यतः फोटोग्राफी और तथा धूप के चश्मे में प्रयुक्त होता है और सिल्वर आयोडाइड आर्द्रता ग्राही होता है। इसका प्रयोग बादलों की सीडिंग कराकर वर्षा कराने में किया जाता है। जो कृत्रिम वर्षा होती है उसमें सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। जयप्रकाश नारायण को व्यापक रूप से जेपी या लोकनायक के रूप में जाना जाता है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक नेता थे। 1970 में इंदिरा गांधी के विरोध में एक शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का आरंभ करने के कारण उन्हें विशेष रूप से जाना जाता है। दाब की एसआई यूनिट पास्कल है। फोर्स की न्यूटन है। आवृत्ति की हर्ट्ज और ऊर्जा की कैलोरी है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हैदराबाद पुलिस अभियान को ऑपरेशन पोलो कहा गया था।
यह सितंबर 1948 ईस्वी में एक सैन्य अभियान था और निजाम की सत्ता को समाप्त करके भारतीय संघ में मिला लिया गया था। ओनली 5 स्टेट्स हैव 2 सीट्स इन लोकसभा, गोवा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें केवल 2 लोकसभा सीटें हैं। कलामकारी एक प्रकार का हाथ से चित्रित या ब्लॉक मुद्रित सूती कपड़ा है जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मूल रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों में उत्पादित है। अब्दुल हसन यमीन उद दीन खुसरो 1253 से 1325, अमीर खुसरो के रूप में जाने जाते हैं। अब्दुल हसन यमीन उद दीन खुसरो अमीर खुसरो के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें तबला और सितार के पिता के रूप में जाना जाता है। तबला और सितार के पिता के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ रेडवुड सेक्वाया, दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ रेडवुड, ये पेड़ आसानी से 300 फीट मतलब 51 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। होवर, ये पक्षी आगे भी उड़ सकते हैं और पीछे भी उड़ सकते हैं। कबूतर, जंगली कबूतर की एक विलुप्त प्रजाति है जो उत्तरी अमेरिका के लिए स्थानिक थी। कैरेट हीरे के वजन का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली माप की इकाई है। एक कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर है। आयरन अपने अयस्क हेमेटाइट में से कार्बन को घटा करके निकाला जाता है। जो हेमेटाइट होता है उसमें कार्बन की मात्रा को घटा करके आयरन मतलब लोहा बनाया जाता है। राजकोषीय शब्द का अर्थ बजट है। यह सरकारी बजट को संदर्भित करता है। इसलिए कुल मांग को प्रभावित करने के लिए वित्तीय नीति, सरकारी खर्च, कराधान और हस्तांतरण भुगतान का उपयोग है। राजकोषीय नीतिगत उपकरणों के अंदर ये 3 उपकरण हैं। अब बजट आया है तो बजट जैसा शब्द कोई हमारे संविधान में तो नहीं है, पर आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से ये उसमें संविधान में मेंशन किया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट कौन से आर्टिकल के तहत, 112। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 को J.M. केनेस द्वारा अस्तित्व में आया था, जब 3 प्रेसिडेंसी बैंक को भारत में एक बैंकिंग इकाई बनाने के लिए पुनर्गठित और सम्मिलित किया गया था। 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये मतलब एक तरीके से उनको मिलाया गया था, सम्मिलित कर लिया गया था। पाँच पंचवर्षीय योजना भारत को रोजगार स्तर को बढ़ाने, जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी वो भारत के रोजगार स्तर को बढ़ाने, आत्मनिर्भरता को कम करने तथा प्राप्त करने के उद्देश्यों के साथ 1974 से 1979 तक फैली अवधि के लिए तैयार किया गया था। 1974 से 1979 किसानों के लाभ को कम करने से बचाने के लिए हरित क्रांति और विस्तारित फसल के चलते गेहूं के लिए 1966-67 में पहली बार भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की गई थी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका मतलब पहली बार कब घोषणा की गई थी, पहली बार अनाउंसमेंट इसका 1966-67 में किया गया था। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक में से जोड़ती है। नौ हज़ार 290 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। मंगोलिया, चीन और उत्तर कोरिया में शाखा लाइनों को जोड़ रहे हैं। पामिर घाट को दुनिया की छत कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856, 1 अगस्त 1920, जिन्हें भारत में चरमपंथी आंदोलन के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्नीस
वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले नेता थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों में उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। जो औपनिवेशिक अधिकारी थे वे बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक या फिर उन्हें चरमपंथी आंदोलन के पिता के रूप में भी जाना जाता है, और भारतीय शांति का जनक ये ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने कहा था। दूसरा दौर सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 से दिसंबर 19 दिसंबर 1931 को खोला गया। गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और सरोजनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। प्रोरोगेशन का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 85(2)(a) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश द्वारा सदन के एक सत्र को समाप्त करना है। प्रोरोगेशन सदन की सिटिंग तथा सत्र दोनों को समाप्त करना है। सदन की जो सिटिंग चल रही है और सत्र जो चल रहा है वो दोनों को समाप्त करने का जो प्रोसेस है उसे प्रोरोगेशन कहते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद के सदनों में से एक सत्र में नहीं होता है, दोनों सदनों में से एक सत्र में नहीं होता है। एक अध्यादेश की अधिकतम वैधता 6 महीने और या 6 सप्ताह होती है। संसद के दोनों सदन सत्र में एक बार 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। मतलब दोनों सदन में 6 सप्ताह के बाद जो अध्यादेश लागू किया गया वो समाप्त हो जाएगा। हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महापद्म को कृष्ण के नाम